Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आज एक स्पेशल दिन है, भारत के एक स्पेशल खिलाड़ी का जन्मदिन है और उसके इर्द-गिर्द बड़े सवाल आ रहे थे हमारे पास आशीष हैशटैग क्रिकबज चैटर से एक सवाल लिया है हमने ट्विटर से हमसे पूछ रहे हैं पीयूष भुडरानी वो कह रहे हैं हाय आशीष सर हेलो कह रहे हैं आपने इतना क्रिकेट खेला है राहुल द्रविड़ सर के साथ एक कोई चीज आप कहेंगे कि हर यंगस्टर को हर युवा इंसान को सीखनी चाहिए अगर वो राहुल द्रविड़ से तो वो कौन सी हो बड़ा दिलचस्प सवाल देखिए एक चीज नहीं राहुल द्रविड़ जितना मैं उनके साथ खेला भी हूँ और इतने साल वो खेले और जिस तरीके से इंडिया ए के भी कोच और जिस तरीके इंसान है चीजें तो काफी सारी है उनसे सीखने वाली उसमें कोई डाउट नहीं है और अगर कोई बोले कि जो एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मेरे जहन में एक आता है वो है डिसिप्लिन जिस तरीके का डिसिप्लिन वो खेलते हुए भी उन्होंने दिखाया जिस तरीके की उनकी वर्क एथिक जो आज आप बात करते हैं या जो दिनचर्या आप जो बात करते हैं देखिए समय बदलता जाता है हर 5-7-8 साल में ना चीजें चेंज होती जाती हैं चाहे आप वो डिसिप्लिन की बात कर लीजिए फिटनेस की बात कर लीजिए और हर आदमी का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है पर हमारे समय पे जितना मैंने राहुल द्रविड़ को खेलते हुए अपने साथ देखा और एज ए कोच और एज ए इंसान भी कि बहुत ही डिसिप्लिन है और उम्मीद करता हूँ कि अब भारतीय जो ड्रेसिंग रूम है वो डिसिप्लिन जो उन्होंने खेलते हुए दिखाया वही डिसिप्लिन जो अब भारतीय और जो खिलाड़ी है उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा राहुल द्रविड़ से और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये डिसिप्लिन क्योंकि देखिए जब आप किसी भी चीज की बात करते हैं ना आप खेल की बात करें या कहीं भी सक्सेस की आप बात करें तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ये टैलेंट एक तरफ है गुण और क्षमता की हमेशा जो बात करते हैं और उसको परफॉर्मेंस में बदलने के लिए ना कहीं आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता जरूर होगी बिल्कुल जी निरंतरता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है अनुशासित प्रैक्टिस करेंगे तभी तो ना आएगी कंसिस्टेंसी लेकिन आपने काफी वक्त बताया उनके साथ आशीष आपकी पहली मुलाकात कब थी राहुल द्रविड़ से राहुल देखिए मैं पहला टेस्ट मैच 99 में खेला था और राहुल द्रविड़ से मुलाकात उससे पहले क्योंकि मैं ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले तो वहां तो कभी मुलाकात नहीं पर कैंप में मुझे याद आता है कि एक बार एक चेन्नई में कैंप लगा था कैंप में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और एक दो बार दलीप ट्रॉफी के नेट्स पे मैं कहूंगा मुकाबला तो नहीं वो इंडिया के लिए उस समय खेल रहे थे 96 में खेले थे तो मेरी पहली मुलाकात उनसे 98 में हुई थी दलीप ट्रॉफी के एक मुकाबले में वो प्रैक्टिस करने आए थे बॉम्बे में और एक बार हमारा जैसा मैंने कहा चेन्नई में कैंप लगा था काफी पुरानी बात होगी जी लेकिन आपने उनके अनुशासन की बात करी वर्क एथिक की बात करी दूसरा साइड होगा राहुल द्रविड़ का जरूर मतलब हमने कुछ एक आध एडवर्टाइजमेंट में देखा है उन्होंने कई बार कुछ एक आध इंटरव्यूज में जरूर कही है कि भाई जो आप जिस तरीके से मुझे परसीव करते हैं शायद मैं पूरा उतना नहीं हूँ कुछ उस साइड की कहानियां भी है कुछ तो होगी आपको नहीं बहुत है देखिए जो भी आप जो ऐड की आपने बात करी कि इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं तो वो देखिए वो जो गुस्सा दिखाए वो आपको जब वो कैप्टन भी थे या वरिष्ठ खिलाड़ी वाइस कैप्टन थे या और कोई भी खिलाड़ी देखिए कैप्टन छोड़ दीजिए वाइस कैप्टन छोड़ दीजिए कभी कभार ऐसा होता है कोचिंग में भी हमने देखा है जब राजस्थान रॉयल्स के भी कोच थे तो गुस्से में भी राहुल द्रविड़ को देखा है और जो लाइटर मोमेंट है वो भी हमने काफी देखी हुई है जब आप दोनों चीज आवश्यक है पर ये है कि किसी का कोई अंदाज ज्यादा होता है किसी का कोई अंदाज ज्यादा होता है और कोई भी एक स्टोरी या एक कहानी या एक वाक्या मेरे लिए बताना मुश्किल है क्योंकि दोनों पहलू की ना काफी सारे वाक्य हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि और जैसे अभी राजस्थान रॉयल्स का मुझे एक लम्हा याद आता है जब वो कोच थे शायद मुंबई इंडियन के खिलाफ कि क्वालिफाई लगभग हो गई थी राजस्थान रॉयल पर शायद छक्का लग गया तो किसी ने कैप ये किसी ने सोचा नहीं था पर ये खेल आपको हर चीज ही दिखाता है जैसे बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बड़े कूल हैं अधिकतर कूल रहते हैं पर अगर किसी को ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा नहीं आता या वो प्यार से किसी खिलाड़ी की क्लास नहीं लगाते तो ये गलतफहमी है आप लोगों की और वैसा ही राहुल द्रविड़ के साथ भी है कि उनकी भी वो एक लाइटर साइड भी है सीरियस साइड भी है धीरे धीरे निकालेंगे अभी टेस्ट मैच का पहला देना ना